Hey guys, welcome back to the new vlog and welcome back to my YouTube channel विनी का जहाँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे शिवपुरी के फेमस यूट्यूबर द रॉड चैनल के ओनर राजवीर जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो बस अभी मैं एक छोटी सी कोशिश करने जा रही हूँ उनके घर उनकी वाइफ से मिलने, अगर पॉसिबल हो पता है तो कोई हमें मिलने देगा तो हम ज़रूर मिलकर आएंगे उनसे। तो बस अभी मैं यही कोशिश करने के लिए बस घर से निकल रही थी और ये वीडियो बनाने का बस मेरा एक इतना सा मोटिव है कि YouTube पे बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हैं या उनके साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, तो ये सब। तो बस अभी मैं वही देखने जा रही हूँ और आप लोगों को भी दिखाने जा रही हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। अभी मेरी फ्रेंड आ गई है तो ये गाड़ी चला रही है तो अभी जल्दी से चलते हैं और ढूंढते हैं उनका घर, क्योंकि कुछ कुछ पता तो है, एक्चुअली जिम तो पता है लेकिन घर नहीं पता हमें उनका। मतलब लोग जाके ढूंढते हैं, हम नहीं जाएंगे, ढूंढते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं और आप भी देख कर आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम मिलकर आ पाएँ इफ़ पॉसिबल, और नहीं तो कोई बात नहीं है, जो भी अपडेट होगा अपडेट होगा अब आप लोगों को जरूर देंगे। लोग परेशान हो रहे हैं, उनका घर ढूंढ रहे हैं, हमें घर नहीं मिल पा रहा है। बहुत कुछ हम पहुंच रहे हैं लेकिन ढूंढना पड़ेगा अभी हमें घर उनका, हमें घर नहीं मिल पा रहा है। हम पूछते हैं, पहले हम देखते हैं, कोशिश करते हैं मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो फिर हम किसी से पूछेंगे। तो एक तो इस वाले एरिया में ना अपन कभी आए नहीं है, तो अपन इस एरिया में कभी नहीं आए। नहीं इधर नहीं है, किधर हम आ गए हैं उनके घर के वहाँ तक, और पता नहीं हमें मिलेगा अभी उनका घर के नहीं है, वो लोग मिलेंगे कि मिल गया है, लेकिन ब्लॉक डला हुआ है। यकीन नहीं हो रहा, यूट्यूब के घर खड़े हो। तो देखिए गाइस, ये है उनका घर। तो ये देखिए, ये उनका घर है और लॉक लगा हुआ है तो हम लोग नहीं मिल सकते हैं, सॉरी गाइस। और ये लॉक लगा होने का एक वो भी है कि हाँ शायद वो नहीं रहे, शायद नहीं, सच में ही वो नहीं रहे, क्योंकि हम लोग को शिवपुरी के सारी मतलब न्यूज़ पे भी देखा है, सभी लोगों ने बोला भी, अभी हमने भी पोस्ट डाला था और अभी हमने जिससे एड्रेस भी पूछा ना, उन्होंने भी बोला कि वो नहीं मिलवाना चाह रहे थे लेकिन हम नहीं मिलवा पाए क्योंकि उनके घर पर लॉक चला हुआ था, कोई है ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि सभी लोग कोई था ही नहीं, तो हम आपको कैसे मिल पाते, इसलिए हम आपको नहीं मिल पाते ना पाए। तो गाइस, अभी आप लोगों ने देखा जैसे कि हम लोग उनके घर गए थे लेकिन वहाँ कोई था नहीं, लॉक लगा हुआ था। तो अभी हम वापस आ गए हैं वहाँ से और ये न्यूज़ रियलिटी में सच है। अभी वो लोग आए नहीं हैं क्योंकि एक्सीडेंट वहाँ अलीगढ़ मेरठ में हुआ था, तो वो लोग अभी यहाँ कोई आए नहीं है, 13 के बाद आएंगे। हम लोग गए थे, करते थे, ब्लॉक लगा हुआ था, हम होकर आए, कोशिश तो थी हमारी कि हम लोग मिलकर आए। दिखाया भी था कि लॉक लगा हुआ है वहाँ पे, मतलब अच्छे से नहीं दिखा पाए थे क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ रखी हुई थी, गाड़ियाँ थी और लोग भी थे, तो अच्छा नहीं लगता। अभी अभी उनके घर में गमी हुई है और हम इस तरह से ये सब दिखाएं तो वो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हम जितनी कोशिश कर सकते थे अपनी तरफ से हमने वो कोशिश की है। तो अब ये र्यूमर फैलाना बंद कीजिए कि ऐसा नहीं हुआ है, ये इट्स अ रियलिटी गाइस, और ये बहुत सैड न्यूज़ है हम सबके लिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे क्रिएटर थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे, मतलब उनके कंटेंट बहुत ही अच्छे थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये बहुत सैड न्यूज़ है हम सबके लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो हो गया है तो हो गया है। तो बस अब सोच के अब ऐसा लगता है कि सपना जी पे क्या बिक्री होगी, सबसे ज़्यादा तो उनके लिए लग रहा है, उनके लिए तो बेटियाँ हैं,
उनकी दो छोटी छोटी बेटियां हैं, उनके लिए बहुत ही टफ टाइम है देखा जाए तो, मतलब मुश्किल समय है भी उनका ही। वो बहुत मुश्किल से संभाल पाएंगी, और यही हमने कोशिश की थी कि काश हम उनसे मिल पाएं, तो हम थोड़ा भी अगर इतना भी हम उनको समझा के आ पाते कुछ तो हमें बहुत खुशी होती अंदर से, लेकिन हम नहीं मिल पाए। हम दोबारा कोशिश करेंगे जाने की कि हम जा पाएं, जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तब हम जाएंगे। तो बस अभी ये ब्लॉग हमारा यहीं तक है, बाद में हम किसी और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तो अभी के लिए बाय बाय बाय।